चुनावों को लेकर पुलिस की सख्ती जारी। अब तक 16.54 करोड़ रुपए की सीजर की कार्यवाही। एसपी राजा शिराज वर्मा ने दी जानकारी। कहा, पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले 60 गुना अधिक कार्यवाही। 19 अप्रैल तक के लिए भी बनाई गई व्यापक कार्य योजना। बोले, शराब, पैसे और अन्य मादक पदार्थ की तस्करी नहीं होने देंगे। झुंझुनू में लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस लगातार सख्ती के साथ कार्यवाही कर रही है। एसपी राजा शिराज वर्मा के नेतृत्व में पूरे जिले की पुलिस न केवल नकदी बल्कि अवैध अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के लिए भी अभियान छेड़े हुए है। इसी का परिणाम है कि पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार अब तक 60 गुना से अधिक सीजर की कार्यवाही अकेले पुलिस ने कर डाली। एसपी राजा शिराज वर्मा ने बताया कि अब तक 16,54,13,987 रुपए की सीजर की कार्यवाही की गई है, जिसमें अवैध शराब तस्करी से जुड़े 78 मामले दर्ज कर 15,38,665 रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट में 10 मामले दर्ज कर 12,59,050 रुपए के अवैध मादक पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं। इसी क्रम में 1,69,02,760 रुपए की अवैध नकदी भी जब्त की जा चुकी है। इनमें से 1,54,90,600 रुपए की नकदी जब्त करके इनकम टैक्स को सुपुर्द की गई है। वहीं अन्य अवैध सामग्री पर कार्यवाही करते हुए 75 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन प्रकरणों के तहत जब्त की गई सामग्री और वाहनों की कीमत 16,12,04,112 रुपए है। उन्होंने बताया कि अब तक जो कार्यवाही की गई है, पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले करीब 60 गुना और गत विधानसभा चुनावों के मुकाबले 4 गुना है। आपको बता दें कि 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में पुलिस ने 27,84,450 रुपए की सीजर की कार्यवाही की थी। वहीं 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में 4,06,51,256 रुपए की सीजर की कार्यवाही हुई थी। उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल तक अवैध रूप से शराब व अन्य मादक पदार्थों के अलावा नकदी की आवाजाही पर पूरी नजर रखी जा रही है। विशेष टीमों का गठन किया गया है। जब से आदर्श आचार संहिता लगी है, झुंझुनू पुलिस के द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। अगर हम सीजर्स की बात करें तो पिछले करीब एक महीने में 16 मार्च को आचार संहिता लगी थी, तब से लेकर अभी तक करीब 16,54,00,000 का हमने सीजर किया है। इसमें आबकारी अधिनियम के अंदर हमने 78 प्रकरण दर्ज किए हैं, एनडीपीएस एक्ट में 10 प्रकरण दर्ज किए हैं। साथ ही साथ एक कैश सीजर की बहुत बड़ी कार्रवाई हमने की थी, जिसमें करीब 1.5 करोड़ से ऊपर हमने कैश पकड़ा था, जो कि हमने इनकम टैक्स को सुपुर्द कर दिया। इस बार की अगर जो कार्रवाई की अगर हम पहले से अगर तुलना करें तो 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार की कार्रवाई करीब 60 टाइम्स ज़्यादा है। और अगर विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो विधानसभा चुनाव की तुलना में भी करीब 4 गुना ज़्यादा अभी तक कार्रवाई हुई है। और अभी अगले जो 5-6 दिन हैं इलेक्शन के पहले, उसमें भी हम निरंतर कार्रवाई करते रहेंगे। इसी क्रम में अगर हम संयुक्त कार्रवाई की भी अगर बात करें तो आबकारी वालों के साथ हमारा काफ़ी अच्छा समन्वय रहा है ज़िले के अंदर, और आबकारी विभाग के साथ मिलकर हमने करीब 5 प्रकरण दर्ज करके 10,000 लीटर के आसपास वॉश नष्ट किया है। और साथ ही साथ हथकड़ शराब और देसी शराब भी हमने काफ़ी जब्त की है। और हरियाणा पुलिस के साथ भी इस बार हमारा काफ़ी अच्छा समन्वय रहा है। पिछले 10-15 दिनों में हमने काफ़ी जॉइंट ऑपरेशंस किए हैं और वांछित अपराधियों को पकड़ा है। टोटल हमने 8 स्थायी वारंटी और 3 गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार किया है उनकी मदद से जॉइंट ऑपरेशंस में। और साथ ही साथ 6 आरोपी जो कि अलग अलग मुकदमों में वांछित थे, उनको भी हमने गिरफ्तार किया है।